हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज इसके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी का कट ऑफ, जो कि 2019 में भी जो एग्जाम हुआ है 20 तारीख को, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि पिछली बार जो है कि कट ऑफ कितनी गई थी, उसके अनुसार इस बार भी कितनी कट ऑफ जा सकती है हाई कोर्ट ग्रुप डी की, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कट ऑफ एक जो कि आफ्टर एनालाइज होगा या आंसर की के बाद, क्योंकि दोस्तों आंसर की भी इसकी 3 दिन बाद आ गई। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, उसके अनुसार ही इस बार भी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा पेपर में कुछ चेंजेस हुआ था, क्योंकि पिछली बार जो कि पेपर थोड़ा सा बहुत ईजिली आया था, और इस बार थोड़े जो है कि इंग्लिश के पोर्शन जो है कि इसमें थोड़े से कठिन थे। तो पिछली बार भी जो लड़के 90 या 92 लेकर आए थे, उनके भी 80-85 नंबर इस समय आए हैं। तो इस समय पिछली बार की कट ऑफ को लेकर भी मतलब इस बार ध्यान दिया गया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाई कोर्ट ग्रुप डी की बात। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप डी कट ऑफ की, जो कि 2018-19 की है। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर की। तो देखिए, प्रीवियस ईयर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 85 से 90, लेकिन मैं बता दूँ पिछली बार 90 गई थी। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट से तो पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट पे कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया था ऑफिशियल, लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन हुए थे, सिलेक्ट हुए थे बच्चे, उनके आधार पे 90 गया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था पिछली बार 2017 में, तो बहुत सारे बच्चे जो कि 90 पर जनरल वालों को हो गया था, कुछ लड़के 92 नंबर भी जनरल में लेके आए थे, तब भी उनका नहीं हो पाया था। क्या लोचा था कुछ समझ में नहीं आया। इसकी रीड भी चल रही है अभी, लेकिन यहाँ पे जो कि वैकेंसी भी हो गई है। यहाँ पे जनरल की बात करें तो पिछली बार 90 गई थी, और इस बार अगर पेपर को थोड़ा सा देखा जाए तो 85 से 90 इस बार भी जा सकती है। तो ये जो है कि जनरल कैटेगरी का है यहाँ पे ग्रुप डी का कट ऑफ। अगर आप इस नंबर में आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपका नंबर आ सकता है दूसरे पेपर के लिए। और उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 90 से 95 इस बार रह सकती है, क्योंकि मैं बता दूं कि पिछली बार जो है कि 2017 को हुआ था 12 नवंबर को जो पेपर, उसमें 95 गया था, 95 इसमें भी गया था, बट कुछ लड़के जो है कि ओबीसी कैंडिडेट के 96 थे। मेरी एक वीडियो है ग्रुप डी की पड़ी हुई है, उस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, सर मेरा 96 है 95 है, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ पर भी मेरा जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया सेकेंड पेपर के लिए। तो कुछ ना कुछ लोचा था इस ग्रुप डी वालों में। तो ये जो है कि ओबीसी की 90 से 95 इस बार जा सकती है मेरिट, क्योंकि बहुत नंबर अधिक है, 90 से 95 बहुत है। पिछली बार 95 गई थी, तो 90 से 95 हो सकता है इस बार, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था पिछली बार से, क्योंकि देखा जिन्होंने पेपर दिया देखा होगा। फिर अगर एससी की बात करें दोस्तों, तो इस बार भी 90 से 93 जा सकती है, पिछली बार 93 ही गई थी, जो कि यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत बच्चों के जो है कि ज़्यादा नंबर थे 93 90 प्लस, तब भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था सेकेंड पेपर के लिए। तो पिछली बार यहाँ पे जो है कि 93 या 92 गई थी इसकी एससी की, तो इस बार भी 90 से 93 तक हो सकती है। फिर उसके बाद एसटी की बात करें, तो एसटी की 80 से 85, पिछली बार भी 85 समथिंग गई थी, उससे कम भी था, तो ये देख सकते हैं एसटी की जो है कि 80 से 85 इस बार रहने वाली है कटअप। तो यही था कट ऑफ। तो ग्रुप डी का ये हमने बताया कट ऑफ, जनरल का 85 से 90 जा सकता है, ओबीसी का 90 से 95 हो सकता है, एससी का 90 से 93 के बीच में अगर आप हैं। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट स्टेज है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 90 तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों के 90 है, लेकिन ये जो 93 है यही जो है कि फैक्ट है हमारा सिलेक्शन करवाने के लिए सेकेंड पेपर में। और ओबीसी का यहाँ पे 95 आप मान के चलिए, और जो है कि जनरल का भी यहाँ पे 36 आरक्षण मिलेगा, क्योंकि देखिए ओबीसी और एससी और एसटी की क्यों इतना जा रही है मेरिट, क्योंकि 36 आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिल रहा है, ठीक। इसके बाद जो है कि हम लोगों को आरक्षण मिलेगा जब आप सेकेंड पेपर में क्वालिफाई करेंगे, तब आपको वहाँ पे आरक्षण मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे जनरल का बात की जाए तो यहाँ पे सीट के अनुसार हम लोगों का बहुत ही कम कट ऑफ जा रहा है 85 से 90, और ओबीसी को आरक्षण न मिलने के कारण जो है कि 90 से 95 हो रहा है, जो कि क्योंकि ये अवधान है कि एक ही बार आपको आरक्षण मिलेगा, तो ये जो आरक्षण सेकेंड स्टेज में आपको मिलेगा। तो एससी की बात करते हैं तो 90 से 93 जा सकता है, एसटी की जो है कि 80 से 85। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, गुड बाय।